अगर आप कोई व्हाट्सएप पर कोई मैसेज भेजता है उसके बाद डिलीट कर देता है तो कुछ ऐसे इंटरफेस आपको देखने को मिल जाता है, दिस मैसेज वाज डिलीटेड। अब यहाँ पे होता है क्या है कि आप चाहते हो उनको पढ़ना है कि आपको पता करना है कि उसने भेजा क्या था, क्या इमेज भेजी थी, क्या मैसेज भेजा था, लेकिन उसने उसको डिलीट कर दिया है। तो उनको कैसे आप पता कर सकते हो, एक सेटिंग में आपको बताऊँगा जिसके बाद आप कोई भी आपको मैसेज भेजेगा उसके बाद अगर वो डिलीट कर देगा तो उसके बाद भी आप उसको पढ़ पाओगे। तो कैसे आपको करना है पता देता हूँ। सबसे पहले होम स्क्रीन पर आपको आना होगा, उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट, अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया चैनल प्लीज सब्सक्राइब। सो इसके लिए आपको सबसे पहले प्ले स्टोर में आना होगा और यहाँ पे आपको एक ऐप डाउनलोड करना होगा जो कि आप देख सकते हैं, डब्लू डिलीट प्रो, जो कि आप देख सकते हैं ये वाला ऐप मैंने इंस्टॉल पहले से ही कर रखा है। आप इसको सबसे पहले सर्च करेंगे, उसके बाद इंस्टॉल करेंगे, डाउनलोड करेंगे। जिसे आप डाउनलोड कर लेते हैं उसके बाद सिंपली इसको ओपन करना होगा। डाउनलोड करने से ही कुछ नहीं होगा, अब इसमें कुछ सेटिंग आपको करनी होगी जो कि मैं आपको बता देता हूँ। तो यहाँ पर कुछ ऐड वगैरह भी आ सकते हैं क्योंकि फ्री ऐप है तो ऐड वगैरह आएंगे। तो यहाँ पे इस एरो पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे कुछ परमिशन मांगेगा जो कि अलाउ करना होगा, अलाउ कर दिया। फिर नेक्स्ट परमिशन मांगेगा जो कि अलाउ करना होगा, जो कि हम अलाउ कर देते हैं। उसके बाद फिर से नेक्स्ट परमिशन मांगेगा जो कि आप देख सकते हैं अलाउ पे आपको क्लिक करना है और यहाँ से यूज दिस फोल्डर पे क्लिक करके अलाउ करना होगा। तो ये अलाउ हो गया, फिर आपको नेक्स्ट करना है, उसके बाद रेडी टू गो हो गया, फिर नेक्स्ट करना है। यहाँ से कुछ और परमिशन आपको मांगेगा, गो टू सेटिंग्स में जाना है, उसके बाद आपको ये वाला ऐप यहाँ से देखना है। तो यहाँ पे ये आ गया डब्लू डिलीट प्रो जो कि आप देख ही सकते हैं, इस पर क्लिक करना है और यहाँ से अलाउ करना है। तो मैं यहाँ से अलाउ कर देता हूँ, जैसे अलाउ हो गया बैक आना है। बैक आने के बाद अब यहाँ से थोड़ी देर लोड होगा तो यहाँ से नेक्स्ट कर देना है। आप चाहो तो परमिशन दे सकते हो, ना तो ना भी दे सकते हो, नेक्स्ट कर सकते हैं आप। जैसे नेक्स्ट करोगे तो यहाँ से इसको अलाउ करना होगा, उसके बाद इसको क्लोज कर देते हैं। गो टू सेटिंग्स, सेटिंग्स पर क्लिक करके अब यहाँ से कुछ भी आप यहाँ पे क्लिक कर सकते हो। अब यहाँ से होगा क्या कि यहाँ पे चैट आएंगे, यहाँ पे स्टेटस आएगा, यहाँ पे इमेज आएगा, यहाँ पे वीडियो आएंगे। तो अब ये आएंगे कैसे वो मैं आपको बताता हूँ कि अब के बाद, अब जब से इसको इंस्टॉल किया अब के बाद कोई भी आपको अगर व्हाट्सएप मैसेज करेगा और डिलीट करेगा उसके बाद आप ये ऐप खोलोगे, उसके बाद यहाँ पे सारी चीज़ उसकी शो कर जाएगी। जहाँ उसको आप इसको ट्राई भी कर सकते हो तुरंत ही, जो भी वो डिलीट करेगा भेजने के बाद चैट स्टेटस इमेज वीडियो वो यहाँ पे आपको शो कर जाएगा, चाहे वो एक सेकंड के लिए भेज चाहे कितनी देर के लिए भेज, आपको सारे शो कर जाएंगे। तो ये थी छोटी सी ट्रिक। अगर आपको लाइक चेक।